हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयशा और आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, कलरफुल जो आप देख ही रहे हैं प्रोटीन से भरी हुई तोरी की सब्ज़ी की रेसिपी लाई हूं जो आपको, आपको पूरे परिवार को बहुत पसंद आने वाली है। तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये मैंने चना दाल, 1 कप चना दाल, जिसे मैंने रात भर भिगो के रखा था और इसे मैंने धो के भिगाया था। और ये देखिए, अदरक लहसुन है थोड़ा सा और 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। और 2 प्याज है जिसे हम रफली कट करके तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम तोरी को पहले हम इसे तैयार कर लेते हैं। तो 4 तोरी ली है मैंने और इसे, इसकी स्किन जो है उसे निकाल देते हैं हल्के हाथों से। बस हम नाइफ से ही इसे निकाल लेंगे और इसे धो लिया है मैंने अच्छे से ताकि इसकी जो किरकिरी है वो बिल्कुल भी निकल जाए। उसके बाद हम इसे कट कर रहे हैं, तो 4 हिस्सों में इसे काटेंगे और छोटे छोटे क्यूब में हम कट करके इसे तैयार कर लेंगे। उसके बाद एक पैन लेंगे, पैन में हम मसाले तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून तेल डाल दें और यहाँ पे 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे तेल गर्म होने के बाद ही। और 1/4 टीस्पून यहाँ पे हींग डाल दिया मैंने। चने की अगर सब्जी बना रहे हैं तो हींग जरूर डालें, इससे डाइजेशन अच्छी होती है। फिर ये देखिए, मैंने जो रफली प्याज कट कर रखा था उसे डाल दिया है और 2 मिनट तक इसे सिर्फ हमने भूना है, ज़्यादा इसे नहीं भूनना है प्याज को। उसके बाद हम सारी चीज़ें डाल देते हैं। तो यहाँ पे तोरी को भी डाल दिया है मैंने और जो चना दाल है इसका पानी हमने बचा रखा है, हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने भिगा के उस धो के भिगाया था। 2 टमाटर इसे भी हम डाल दिए हैं और ये अदरक लहसुन जीरा काली मिर्च का पेस्ट है इसे डाल दिया है मैंने। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर डाल रहे हैं क्योंकि मसालेदार हम सब्जी बना रहे हैं। 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम नमक डालेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका जो तेल है वो अलग हो जाए और बिल्कुल अच्छे से मसाला भून जाए। तो मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं हम। तो ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि तेल जो है मसालों से अलग हो गया है, सब्जी से हमारे बहुत अच्छे से भुन गया है। इसको भुनने में लगभग 7 से 8 मिनट लगे और जो पानी हमने दाल में से निकाला था वही पानी हमने डाला है। तो उसे डाल देते हैं और ढक देते हैं इसे। ये देखिए, 10 से 12 मिनट तक हमने पकाया है इसे। आप देख रहे हैं कि सब्जी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है और ये बहुत टेस्टी सब्जी लगती है। इस वक्त हम नमक और मिर्च को भी टेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक मैं और ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा पानी, हल्की सी इसमें ग्रेवी होती है तो ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इसे रोटी के साथ सुबह नाश्ते में बनाइए, लंच में बनाइए, चावल के साथ, बहुत ही टेस्टी और फटाफट से बनने वाली सब्जी है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।